Good morning, dear students. Welcome back to the class. We are taking the revision of our lesson number 3, in which in the previous lecture I have told you to how to find out the square root of a number which is not a perfect square by the long division method. Okay. So in the exercise 3E question, there is only one question. So the sub questions are 18. I have solved question number 1 for you. Today I am solving the question number 7, in which there is a decimal numbers. Okay, हमने जो previous lecture में जो किया था वो एक normal integer था. अभी आज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें एक decimal number ले लेते हैं ताकि आपको clear हो जाए कि decimal numbers के लिए कैसे करते हैं. So 0.7, I am taking 0.7. Okay, exercise 3E. 0.7 is your question. Okay, so how to find out the square root of this? Okay, so for these, first what we have to write here, solution started from, solution kaise likhte hain, to find the, kya likhte hain, to find square root 0.27 by long division method we have. Ye pehla statement hota hai, jo main likhna hota hai, kya likhna hota hai, to find square root of 0.7 by long division method we have. ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, लॉन्ग डिविजन. ठीक है, तो कैसे करते हैं लॉन्ग डिविजन, देखो यू हैव टू राइट स्टार्ट फ्रॉम हियर. Okay, and then again 6 1 3 6
equals to 0.836. अभी लास्ट का डिजिट देखा है 36, तो 36 इस किन दो नंबर्स के बीच में आता है 30 एंड 40, और इन बीच का नंबर क्या है 35, सो इट इज ग्रेटर देन 35, सो वी विल टेक 40 इयर्स. वी विल राइट 0.8 एंड 40 के जगह लिखेंगे 4, सो इट इज 0.84. ओके, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 0.7 इज इक्वल्स टू 0.84. ओके, करेक्ट द डेसिमल प्लेस. इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर्स. ओके, नाउ देयर आर सम मिक्स फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस आल्सो गिवन, सो आई विल टेक वन एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो. तो जो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका स्क्वायर रूट निकालना होता है, इसके तीन डिफरेंट टाइप्स है, एक नॉर्मल इंटीजर, एक डेसिमल नंबर और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन. दो टाइप हम देख चुके हैं, थर्ड देख लेते हैं. आई विल टेक द क्वेश्चन नंबर 14 फॉर दिस बिकॉज देयर इज अ डाउट टू सम स्टूडेंट्स इन दिस. सो क्वेश्चन नंबर 14 फॉर दिस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन इज 1 1 by 5. बिफोर स्टार्टिंग द लॉन्ग डिविजन सॉल्व दिस मिक्स फ्रैक्शन. सो यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट 5 1s are 5 एंड 1 it is 6. So 6/5. ओके, अगर अभी आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको न्यूमरेटर का भी निकालना होगा और डिनोमिनेटर का भी निकालना होगा, क्योंकि दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो ट्राई टू मेक द डिनोमिनेटर अ परफेक्ट स्क्वायर. आप डिनोमिनेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए. तो फॉर दिस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5. Multiply denominator and numerator by 5. Why we multiply it by the 5? Because we have to make the denominator as a perfect square. इसलिए हम numerator और denominator को जो term denominator में है उसी से multiply करते हैं. So it will becomes 30 upon 25. Okay. Now you have to find out the square root of, therefore square root of 1 upon 5. ओके, सो यू विल राइट इट एज, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू क्या निकाली है 30 upon 25. ओके, सो यू विल राइट इट एज 30 upon 20. आफ्टर दैट यू कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 30 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25. ओके, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 30 हम नहीं निकाल सकते बिकॉज 30 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है. 25 का स्क्वायर रूट होता है 5. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ओनली 30. ओके, सो नाउ फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 30 बाय द लॉन्ग डिविजन मेथड. ओके, फॉर दिस राइट इट डाउन 30 and then how many zeros? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because we have to find out the answer up to the 2 decimal places. Okay. So, here 36 को count करो, 30 किन दो numbers के बीच में आता है, तो 30 is between 36 and 25. So, you will write it is 5 square. So, we will take 5 here. Okay. So, it is 5 5s are 25. ओके, नाउ सबट्रैक्ट दिस 5. ओके, आपने पेयरिंग करना भूल गए, हम लोग पेयरिंग कर लो. ओके, नाउ नेक्स्ट पेयर इज 0. नाउ यू हैव टू राइट द डेसिमल पॉइंट बिफोर कॉपी डाउन द 0. सो 5 का 2 बाय 10. आप 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लगाओगे जो इससे छोटा आएगा? तो इट इज 4. बिकॉज अगर आप 5 लगाते हो तो हो जाएगा 505 and it will be greater than the 500. So I will place 4 here and here also. So 4 4s are 16 and 4 1s are 4. Subtract it, you will get 84. You will get 84 here. Okay, so here you will get the 84 as your subtraction. Okay, now copy down the next pair. Double of 54 is 108. Double of 54 is 108.
Now which number here? So here I will write 7. 7 sevens are 49, 10, 4. 7 eights are 56 and 4 is 16. And 7 ones are 7. Okay, so subtract it. We will get 1, 9, 6, 691. Now copy the next pair of 0 here. Next pair of 0 here. Okay, and the double of it is, double of it is 7 2s are 14, carry 1, and 2 4s are 8, and 1 9, and 2 5s are 10. Okay. Okay. Now, you have to place some number here so that the multiplication becomes less than 690. स्क्वायर रूट होगा 250 का, वो 20 और 10 के बीच में आएगा।
बट स्टिल वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द स्क्वायर नंबर. ठीक है, अभी भी हम ज्यादा क्लोज नहीं पहुंचे थे. हमने हमने जो गैप ये लिया है हमारा रेंज वो 10 से 20 नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, हमें बहुत क्लोज एस्टिमेशन अंदाज को पास में लगाना होता है. ठीक है, सो वी नो दैट. अब आप चेक करोगे 10 और 20 के बीच में ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनके पास इसका स्क्वायर आता, जिनके बीच में ये स्क्वायर नंबर आता है. जैसे फिर भी हम यहाँ कर रहे थे कि जो ये है 30 को 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है या 5 या 6 के बीच के स्क्वायर में आता है. वैसे ही हम देखेंगे कि 250 जो है वो 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में आता है. अब आपको चेक करना है दिया गया नंबर दोनों भी नंबर में से किसके सबसे ज़्यादा करीब है. छोटे वाले जैसे यहाँ दिया है 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256. जो 250 है वो 225 से ज़्यादा क्लोज है या 256 से. तो एज यू फाइंड आउट 250 इज वेरी क्लोज टू द 256. सो वी कैन राइट इट हियर दैट देयरफॉर 256 इज मच क्लोजर टू द 250 देन 225. सो द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज 60. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3L एंड इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Okay, and in the next lecture, we are taking the revision of our lesson number 4, that is cubes and cube roots. So, practice the lesson number 4 also and write it down all your doubts so that whenever I am taking the video, you will clear your